आईपीएल 2022 के शुरू होने से पहले ही बढ़ी चेन्नई की टेंशन। नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। 26 मार्च से आईपीएल के 15वें सीजन की शुरुआत होने जा रही है। टूर्नामेंट का पहला ही मुकाबला चेन्नई और कोलकाता के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, लेकिन इस मैच से पहले ही चेन्नई के खेमे की टेंशन काफी बढ़ गई है। दरअसल स्टार ऑलराउंडर मोइन अली को पिछले 20 दिनों से भारत आने के लिए वीजा ही नहीं मिला है। इसके पीछे का कारण आखिर क्या है, ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल डीएनपी स्पोर्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहे। आइए जानते हैं कि क्यों चेन्नई के स्टार ऑलराउंडर मोइन अली को भारत आने के लिए वीजा नहीं मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई के सीईओ काशी विश्वनाथ ने कहा है कि मोइन अली ने 28 फरवरी को वीजा के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन को 20 दिन अब हो चुके हैं। वे लगातार भारत आते रहते हैं और इसके बाद भी उन्हें अभी तक इस यात्रा की अनुमति नहीं मिली है। हमें उम्मीद है कि वे जल्द ही टीम के साथ जुड़ेंगे। चेन्नई के सीईओ काशी विश्वनाथ ने आगे कहा कि मोइन ने हमें बताया है कि वे कागजात मिलने के बाद अगली फ्लाइट से उड़ान भरेंगे। बीसीसीआई ने भी हमारी मदद के लिए इस मामले में खुद को शामिल किया है। हमें उम्मीद है कि उन्हें सोमवार यानी कि 21 मार्च तक ये पेपर्स मिल जाएंगे और वो चेन्नई की टीम में जल्द ही शामिल होंगे। आपको बता दें कि मोइन अली ने पिछले साल अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से चेन्नई को चौथा खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 15 मैचेस में 357 रन बनाने के अलावा 6 विकेट भी चटकाए थे। यही कारण भी था कि फ्रेंचाइजी ने उन्हें आईपीएल 2022 के लिए भी 8 करोड़ में रिटेन किया था। आईपीएल के ओवरऑल 15 मैचों में उन्होंने कुल मिलाकर 666 रन बनाने के साथ साथ 16 विकेट भी चटकाए हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना ट्रेनिंग कैंप सूरत में लगाया है, जहां टीम के खिलाड़ी कप्तान एमएस धोनी समेत जमकर पसीना बहा रहे हैं। चेन्नई की टीम 4 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी है और इस बार भी फैंस को एक और ट्रॉफी की उम्मीद रहेगी। फिलहाल चेन्नई की टेंशन इसलिए बढ़ती हुई नजर आ रही है कि चेन्नई के स्टार ऑलराउंडर मोइन अली को भारत आने के लिए वीजा ही नहीं मिल रहा है। अब इस मामले में आगे क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बाकी की अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीएनपी स्पोर्ट्स।